Good morning everyone, welcome to Civil Daily Platform, my channel. So today we are going to start with a new topic, which is venturi meter. As we are going with a series of hydraulics, so yahan pe hum log aaj venturi meter ke bare mein baat karne wale hain. This is class number 8 and we have already completed 7 classes in hydraulics, and in that 7 classes we have discussed about HGL, TEL, continuity equation, Bernoulli's equation, different types of losses in pipe flow, parallel and series system of pipe flow between two tanks and equivalent pipes. ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, और आज के क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन से हम लोग एक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ वेंचुरी मीटर. आप लोग जब वेंचुरी मीटर की बात करोगे तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों को इस लेक्चर को देखने से पहले, या हम लोग अगर इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए. वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट कंटिन्यूटी इक्वेशन, वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट बर्नौलीज़ इक्वेशन. आप लोगों ने कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज़ इक्वेशन का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से देखें आप, और देखने के बाद आप वो कंसेप्ट को क्लियर करें, फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं. क्योंकि अगर आप वहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बर्नौलीज़ इक्वेशन को आपने नहीं समझा, सो आप यहाँ पे अगर वेंचुरी मीटर को समझ रहे हो तो ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्नौलीज़ इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है. एंड हेयर वी विल डायरेक्टली यूज़ द बर्नौलीज़ इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन. सो आपके सामने स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो, ये आपका ये जो शेप बना है, ये शेप बेसिकली दिस इज़ वेंचुरी मीटर. सो बिफोर गोइंग टू द वेंचुरी मीटर, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा वाई इट इज़ यूज्ड एंड इसका काम क्या है. अगर हम लोग एक वेंचुरी मीटर पढ़ रहे हैं तो ये एक्चुअली यूज़ कहाँ होता है, क्या क्या काम होता है इसका. तो आप लोगों ने अलग अलग तरह का मीटर पढ़ा होगा, ओडोमीटर. तो ये सब जो ओडोमीटर है, रेन मीटर है, तो ये मीटर जहाँ पे भी आ जाता है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, टू कैलकुलेट और टू मेज़र समथिंग. नॉट टू कैलकुलेट बेसिकली, टू मेज़र समथिंग. आप जब कुछ मेज़र करने वाले होते हो, या कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास जिसका यूज़ मेज़रमेंट के लिए हो, तो उसको हम लोग मीटर बोलते हैं, उस टर्म के आगे मीटर लगा होता है. सो हियर दिस वेंचुरी मीटर इज़ बेस्ड ऑन द बर्नौलीज़ प्रिंसिपल. और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये रेट ऑफ फ्लो मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है. रेट ऑफ फ्लो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. रेट ऑफ फ्लो किसको कहते हैं हम लोग, क्यू को बोलते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो की. रेट ऑफ फ्लो क्या है, मतलब कि क्यू क्या है, वो निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. तो आप जैसे कि देख सकते हो कि इनलेट है, आउटलेट है, मतलब वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड गोइंग टू दिस डायरेक्शन. यहाँ पे दो अलग अलग हम लोगों ने सेक्शन को कंसिडर किया है, इसको हम लोगों ने इनलेट कहा और इसको हम लोगों ने थ्रोट कहा. और यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है, और इस तरीके का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंचुरी मीटर. और पाइप यहाँ पे आपको कनेक्टेड होता है, एक पाइप और दूसरा पाइप कनेक्टेड होता है यहाँ पे. एंड दिस गिव्स अस आइडिया अबाउट कि इस पाइप में रेट ऑफ फ्लो कितना है, इसके लिए इस वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल होता है. ओके, नाउ अगर हम लोग इसको वेंचुरी मीटर को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोगों का जो कुछ गिवन बेसिक डेटा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. सो व्हाट आर द बेसिक गिवन डेटा, आप बात करेंगे अगर आप वेंचुरी मीटर में डेराइवेशन के बारे में, अगर आप बात करेंगे, यानी कि रेट ऑफ फ्लो के डेराइवेशन के बारे में आप बात करेंगे, इसका मतलब अगर आप क्यू क्या होगा, डिस्चार्ज क्या होगा, अगर आप डिराइव करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक वेंचुरी मीटर यहाँ ले लिया और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. तो यहाँ क्या क्या गिवन डेटा है आपके पास. D1 इज़ द डायमीटर ऑफ द इनलेट एट सेक्शन 1-1, मतलब कि यहाँ के लिए जो डायमीटर है वो कितना है, वो D1 है. प्रेशर एट सेक्शन 1-1 कितना है, ये P1 है, मतलब इस सेक्शन पे टोटल जो प्रेशर है वो कितना है, वो प्रेशर P1 है. और इसके बाद वेलोसिटी कितनी है इस सेक्शन के लिए, वेलोसिटी इज़ V1. एंड वॉट अबाउट एरिया, ऑब्वियसली जब आपको डायमीटर पता है, यू कैन से एरिया विल बी A1 एट सेक्शन 1-1. तो हम लोगों ने सेक्शन 1-1 देखा, और इसी तरीके से जैसे आपने सेक्शन 1-1 देखा ना, इसी तरीके से सेक्शन 2-2 में होने वाला है. क्या होने वाला है, D2, P2, V2 एंड A2. नाम लग रहा है ना किसी का सुनने में, D2, P2, V2, A2, T2. तो वॉट आर दिस, दीज आर बेसिकली डिफरेंट सेक्शन एंड डिफरेंट
यूनिट, वी कैन से डायमीटर, प्रेशर, वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 22। तो आपने यहाँ देखा ना सेक्शन 22, इस सेक्शन के लिए डायमीटर, प्रेशर और ये अलग अलग यूनिट्स आपको याद दी हुई है ना। अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन आपको याद होगा देन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z1। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट आप बर्नौलीज इक्वेशन लिखोगे तो आपने कहा, आप यहाँ एक बोल सकते हो क्योंकि आपने भी पूरा लेक्चर देखा नहीं है, तो आप बोलोगे सर लॉस कहाँ गया, तो चलिए मैंने यहाँ लिख दिया लॉस। बट अभी हम लोग कौन सा कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर अ कंडीशन वेयर एवरीथिंग इज़ आइडियल, सब लोग आइडियल है, सब कुछ आइडियल है। तो लॉस क्या हो जाएगा, आइडियल की कंडीशन में लॉस होता है क्या, नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो ये इक्वेशन तो करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग पिछले वाले स्लाइड में। आप देखो कि ये पाइप कैसा है, ये पाइप अगर आप देखोगे तो ये पाइप पूरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब अगर आप इसको डेटम लाइन कंसिडर करोगे तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो डेटम होगा Z1 और इसके लिए जो डेटम होगा वो इक्वल होगा। मतलब कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये हाइट क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है ना। जब हाइट इक्वल होने वाली है तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन Z के बारे में कोई परेशानी नहीं है, मतलब ये Z1 और Z2 बराबर होगा। Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू, चलो इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया जाए, इज इक्वल टू Z। चलिए हो गया, जब ये दोनों बराबर है देन वी कैन कैंसिल आउट दिस टू टर्म्स। क्या मिलेगा इक्वेशन ये मिलने वाला है P1 by rho g plus V1 square by 2g is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए, बहुत बेसिक से इक्वेशन आपके पास आ गया। वो इक्वेशन है z को हटाने के बाद P1 by rho g plus V1 square by 2g P2 by rho g plus V2 square by rho g। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया। चलो अब इस इक्वेशन पे थोड़ा ऑपरेशन किया जाए, चूँकि हम लोगों को डेराइव करना है, तो चलिए मैं ऑपरेशन करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा साथ दें ऑपरेशन करने में। तो चले, अगर आप ऑपरेशन करोगे, ऑपरेशन करने का मतलब है उठा के इधर उधर ले जाना। आप यहाँ, आपके यहाँ पे क्या था, P1 by rho g था और प्लस था V1 square by, यार बहुत मेहनत लग रहा है तो हम लोग ना पीछे वाले स्लाइड में देख लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पे था ना P1 by rho g plus V1 square by 2g is equal to P2 by rho g plus V2 square by rho g। आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरे टर्म को उठा के अगर आप इधर ले जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो माइनस P2 by rho g P1 by rho g माइनस P2 by rho g। और अगर आप ये पूरे टर्म को उठा के उधर ले जाओगे, ये पूरे टर्म को उठा के आप इधर ले जाओगे तो माइनस दे के आप लिखोगे V1 square by 2g। तो ये सब करने के बाद जो आपका फाइनल इक्वेशन आता है वो क्या होता है, वो ऐसा होता है, मैंने rho g कॉमन ले लिया तो ये P1 माइनस P2 by rho g is equal to V2 square by 2g माइनस V1 square by rho g। चले यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक परेशानी यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। परेशानी का नाम ये है कि वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस P1 माइनस P2 by rho g by h। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को इसको रिप्लेस कर देना है। ओके अब ये h कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ये समझने के लिए यू विल हैव टू सी द डायग्राम अगेन। आप चलेंगे जब पीछे वाले डायग्राम के ऊपर जो हमने वहाँ बनाया था, तो आप देखोगे कि अब अगर मैं एनर्जी को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये आपका डेटम लाइन है, जेड का वैल्यू जो है वो इक्वल है। जेड का मतलब कि यहाँ पे अगर आप कोई डेटम कंसिडर करते हो इस तरीके से तो आपके लिए जेड बराबर है। इसका मतलब ये कि प्रेशर एनर्जी और कौन सी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, सही है ना, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आप अगर समझोगे कि आपने वेलोसिटी को फ्री छोड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये कि आपने वेलोसिटी को किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन दिया है क्या, नहीं दिया है। ये लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू दिस डायरेक्शन। लेकिन जहाँ पे आप क्या जानते हो कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है ना। तो जब आप, अच्छा आप जानते हो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, और आप क्या जानते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, 1/2g इनटू v स्क्वायर, यही होता है ना।
तो चलिए आप जानते हो काइंड, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ जाओगे तो आपको ये एच का जो कंसेप्ट है समझ में आ जाएगा। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ हाफ 1/2g इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपकी वेलोसिटी मान ले यहाँ पे v1 है, यहाँ पे आके आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी, ओके। तो आप जब इस चीज़ को समझोगे, वेलोसिटी यहाँ v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे ज़्यादा कौन सा होने वाला है, कौन सा होने वाला है ज़्यादा? अभी तक अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बात बताओ, जब आपको क्या होता है ना, जब आप कभी कहीं पे पाइप यूज़ करते हो तो क्या करते हो, आपको जैसे बाइक वॉश करना होता है, तो बाइक वॉश करना होता है, ये बहुत डेली डेली लाइफ का एक छोटा सा कंसेप्ट है, पाइप वॉश करना होता है आपको पाइप यूज़ करके, तो आप क्या करते हो, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देते हो, पाइप को छोटा कर देते हो, दबा के उसका जो आउटसाइड आउटर जहाँ एग्जिट पॉइंट है ना, आप उसको छोटा कर देते हो, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर देते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते हो तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है आपकी, है ना, ये होता है, ओके। तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 हो जा रही है, तो वेलोसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है, कौन सा एनर्जी ज़्यादा होने वाला है, KE, और यहाँ पे KE कम होगा, ये तो आप बहुत अच्छे से क्लियर है आपको, ओके, KE कम होगा यहाँ पे और यहाँ पे KE ज़्यादा होगा। अब आप एक चीज़ समझो कि आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन के पास, चूँकि अभी तो यहाँ पे डेटम हेड हट गया ना, आपके पास यही दोनों टर्म है, PE + KE इज इक्वल टू PE + KE, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो चलिए मैं एक नंबर मान लेता हूँ, नंबर समझाने में थोड़ा आसान होता है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपकी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, सॉरी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो 5 है, ओके, कितनी है, 5 है, और यहाँ पे आके ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, ओके, 6 हो जाती है, और यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी है, यहाँ की टोटल एनर्जी 10 है, तो यहाँ की प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, प्रेशर एनर्जी भी, चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, प्रेशर एनर्जी भी 5 होगी, मतलब यहाँ पे 5 प्रेशर, 5 काइनेटिक, लेकिन जब यहाँ पे आया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, 5 + 5 इज इक्वल टू 10 और 6 + 4 इज इक्वल टू 10, तो जैसे ही आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। एंड यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि आप यहाँ देखोगे ये जो हेड है ना, ये किसको बता रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसको बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को बता रहा है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हेड क्या है सर, आप पहले से जानते हो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हेड जो है वो P/ρg है, ओके, P/ρg पोटेंशियल एनर्जी हेड है, और ये किसको बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हेड के डिफरेंस को बता रहा है, इसका मतलब इसके और इसके पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप कंपेयर करोगे, ओके, अभी हमने एक एग्जांपल लिया, एनर्जी यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10 बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से, और हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे PE5 और KE5 दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों 5-5 हैं, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जाता है, KE बढ़ जाता है, और KE बढ़ के हो जाता है 6 और PE घट के कितना हो जाता है, 4, ओके। तो ये आपने समझ लिया कि ये एनर्जी का ये अलग अलग मतलब कौन सा एनर्जी बढ़ रहा है, कौन सा एनर्जी कम हो रहा है। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है, आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, आपकी प्रेशर एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे घट के कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है, चूँकि यहाँ पे काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को किस में से किसको घटाना है, ये वाले में से ये वाले को घटाना है, इसका मतलब P1/ρg में से अगर हम लोग P2/ρg को माइनस कर देंगे, P2/ρg, तो ये किसको बताएगा, ये हेड को बताएगा, यहाँ जो हेड मेज़र हो रहा है ये किसको बताएगा, ये हेड को बताएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, इसके बाद भी इफ़ यू हैव सम डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन व्हाट एवर यू विल आस्क टू मी, ओके। तो चलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो डिफरेंस है प्रेशर एनर्जी का उसको हेड के टर्म पे लिख दिया, इसका मतलब ये कि इफ़ दिस इज़ P1 - P2/ρg इज़ द डिफरेंस
प्रेशर एनर्जी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी, ये हम लोग लिख सकते हैं ओके। बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन ये तो बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन वी कैन राइट फ्रॉम ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, और यहाँ से वी टू इज इक्वल टू सॉरी वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए टू वी टू बाई ए वन, सो यू कैन राइट एच इज इक्वल टू। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन था ना इस इक्वेशन में हम लोगों ने यहाँ पे वी वन के लिए ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो चलिए इसको तो सेम टू सेम कॉपी करना है, और इसके जगह में क्या करना है आपको वी वन के जगह में ए टू वी टू बाई ए वन कॉपी करना है, तो ए टू वी टू बाई ए वन हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप लिखोगे वी वन स्क्वायर बाई टू जी माइनस, अब दोनों का स्क्वायर होगा ना ए टू का स्क्वायर बाई इंटू वी टू का स्क्वायर बाई टू जी इंटू ए वन का स्क्वायर। तो ये सारा कुछ हमने किया है, बेसिक कैलकुलेशन है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होना है, अभी हम लोगों ने उसी को सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो टर्म है वो यहाँ पे ये आ चुका है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आप इसको और थोड़ा सॉल्व करोगे वी टू स्क्वायर बाई टू जी कॉमन लोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वन बाई ए टू का स्क्वायर बाई ए वन का स्क्वायर। अब जब आप इसको यहाँ पे मल्टी सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप लिखोगे ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर बाहर में टू जी वी टू स्क्वायर बाई टू जी। अब जब यहाँ पे आप वी टू स्क्वायर को यहाँ पे वी टू स्क्वायर के टर्म पे लिखना चाहते हो तो फॉर डैट व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाना होगा, तो ये क्या हो गया टू जी एच, और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब ये ए चला जाएगा ऊपर और ये वाला टर्म आ जाएगा नीचे इस तरीके से ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया ए वन स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर ये कर दिया। अब जब आप इसके ऊपर का जब रूट हटाओगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट ए वन स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू टू जी एच ओके। तो अब जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे वी टू इज इक्वल टू ए वन बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू टू जी एच मिल गया। तो यहाँ तक तो आपको क्या मिला है, यहाँ तक आपको मिला है वेलोसिटी इन द सेकेंड पाइप है ना, वेलोसिटी मिल गया। अब जब आपको वेलोसिटी तो चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको डिस्चार्ज चाहिए, तो डिस्चार्ज के लिए क्या करना पड़ता है वेलोसिटी वी टू मिली है तो आपको ए टू कैलकुलेट करना होगा, तो ए टू इंटू वी टू ये क्या देगा डिस्चार्ज देगा। तो चलिए हमने ए टू से मल्टीप्लाई कर दिया ए टू इंटू ए वन डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू रूट टू जी एच इज इक्वल टू क्या है दिस इज माई डिस्चार्ज। और हम लोगों को क्या डिराइव करना था, हम लोगों को डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला डिराइव करना था। नाउ इफ यू विल गो अहेड इफ यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली देन नाउ वी कैन गो हियर क्यू गिव्स डिस्चार्ज अंडर आइडियल कंडीशन राइट द एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन द थियोरेटिकल डिस्चार्ज। अब आप एक बात बताओ, हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है कि एनर्जी जो होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, बट इज़ इट पॉसिबल दैट देयर विल बी नो लॉस इनसाइड द वेंचुरी मीटर, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो जब लॉसेस होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो टोटल फ्लो है ना वो कम हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो क्या होगा कम होगा। अब एक बात बताओ, आप कहोगे कि इसके लिए इसे थोड़ा एलाबोरेट करें, तो मुझे किसी टेक्निकल डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। सपोज़ ये एक पाइप है ना, और ये पाइप बहुत ज़्यादा इसके लिए फ्रिक्शन नहीं है ना, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम है, फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम है, ज़ीरो के बराबर है, और दूसरा एक पाइप है जो जिसमें बहुत फ्रिक्शन है, तो एक बात बताओ फ्लो किसमें ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसमें फ़्लो कम होगा, इसमें फ़्लो ज़्यादा होगा है ना, यहाँ पे फ्लो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फ्लो कम होने वाला है। तो एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शनल लॉसेस कंसिडर करना पड़ता है, बहुत सारे लॉसेस को कंसिडर करना पड़ता है। सो फॉर डैट व्हाट वी डू, वी यूज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सीडी है ना, ये सीडी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और दिस गिव्स अस द एक्चुअल डिस्चार्ज। अगर हम लोगों को क्यू एक्चुअल निकालना पड़े देन वी कैन राइट क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू सीडी इंटू ए वन इंटू ए टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू रूट टू जी एच। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, हम लोगों ने फॉर्मूला का डेरिवेशन देख लिया। स्टिल इफ यू हैव सम डाउट देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी एंड प्लीज़ आस्क, बिकॉज आप जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँ एंड एवरी थिंग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो 110% आपके ब्रेन में वन टाइम में आ जाए। अगर आपको डाउट होता है, नहीं समझ आता है, यू जस्ट वॉच इट अगेन
उसके बाद भी आपको डाउट होता है, यू जस्ट राइट टू मी, आप लिखोगे तो मुझे मालूम चलेगा डेट यू आर आइदर यू आर गेटिंग और नॉट गेटिंग। तो अब हम लोग आते हैं आगे, अपना एक छोटा सा पोर्शन बचा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू सी डी इंटू ए वन ए टू एंड डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू टू जी एच, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, लेकिन जब आप आते हो वैल्यू ऑफ एच यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ दिस वेंचुरी मीटर देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बिकॉज रट जाना इज वेरी इजी ना, आप यहाँ पे फॉर्मूला रट सकते हो, बट इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड देन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं थोड़ा आपको दिमाग लगवाता हूँ आपसे, है ना। चलिए, तो दिमाग लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा पहले चलते हैं, थोड़ा रिमाइंड बटन दबाते हैं और पीछे चलते हैं। चलिए, हम लोग पीछे आ गए। अब आप एक बात बताएं, आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, आपने यहाँ पे यूज़ किया था बर्नौलीज इक्वेशन, राइट। आपने बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ किया, आपने लिखा यहाँ पे, यहाँ पे आपने लिखा वन बाई टू जी पी वन स्क्वायर बाई प्लस पी इन टू पी डिवाइडेड बाई रो जी, आपने आप इस तरीके का फॉर्मूला लिखा। लेकिन आप एक चीज़ क्लियर कर लो कि जब भी हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे पी वन माइनस पी टू बाई रो जी को हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, इस एच से रिप्लेस कर दिया, राइट, इस एच से रिप्लेस कर दिया। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आई थिंक यू कैन आंसर। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे लिक्विड अलग होगा, सपोज मैंने फर्स्ट केस में क्या किया, आप लोग जानते हो, आप लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ। तो आप एक बात बताओ, मैं फर्स्ट कंडीशन में क्या करता हूँ ना, इसमें केरोसिन भर देता हूँ, इस यूट्यूब मैनोमीटर में मैं केरोसिन भर देता हूँ। सेकेंड कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें मर्करी भर देता हूँ। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो राइज इन हाइट है वो इक्वल होगा क्या, नहीं होगा इक्वल। केरोसिन के कंडीशन में राइज इन हाइट ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा होगा, और मर्करी के केस में बहुत कम होगा। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मैंने तो जस्ट लिक्विड चेंज किया, है ना, मैंने यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर जो था उसके लिक्विड को चेंज कर दिया, यहाँ पे अंदर में फ्लो होने वाले लिक्विड तो वही है, तो यहाँ पे एच का वैल्यू अलग आ रहा है, और जहाँ एच का वैल्यू अलग आएगा देन यू विल गेट एवरीथिंग डिफरेंट, योर आंसर विल बी डिफरेंट, डिस्चार्ज अलग आ जाएगा। ओके, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, ये एच कैलकुलेट करना है, ये एच मेज़र नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ जो वैल्यू आएगा ना इसको हम लोग यहाँ पे एक्स बोलेंगे। ओके, यहाँ जो वैल्यू आएगा उसको एक्स बोलेंगे। अब चलिए मैं आता हूँ अपने आगे वाले स्लाइड में, थोड़ा फॉरवर्ड बटन दबाते हैं, चलिए हम लोग पहुँच गए अपने लास्ट स्लाइड में। अब ये जो एच होगा ना, ये एक्चुअली मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, ये जो एच होगा ना ये किसके बराबर होगा, ये x इंटू एस एच बाई एस नॉट माइनस वन के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि ये h जो है, मान के चले मैं अभी कहा ना वहाँ पे आपको डिफरेंस कितने का मिलने वाला है, डिफरेंस मिला आपको x का। ओके, यहाँ पे x का डिफरेंस मिल गया। ओके, और यहाँ पे एस एच क्या है, हेवियर लिक्विड जो भरी हुई है ना, मतलब जो मैन्योमीटर है, तो यहाँ दो अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि मैनोमीटर में जो लिक्विड भरी हुई है वो हेवियर लिक्विड है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाली लिक्विड है, और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ना वो लिक्विड की डेंसिटी कम है। तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला चलेगा, ये फॉर्मूला चलेगा, और अगर इसका उल्टे कंडीशन में ये फॉर्मूला चलेगा, इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए अभी हम लोग मान लेते हैं कि मैनोमीटर में लिक्विड जो है उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और जो फ्लो हो रहा है ना वो कम है। तो चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमारे पास है, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। चलिए मान के चले कि फ्लो किसका हो रहा है, फ्लो वाटर का हो रहा है, तो एस नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वन। और अगर हम लोग ये माने कि अंदर में क्या भरा हुआ है, मर्करी, तो मर्करी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी भाई, इट इज़ 13.6, ठीक है ना, 13.6, सही है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 13.6 बाई 1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.6। ओके, और आपने जब x से मल्टीप्लाई किया, x का मतलब वो वैल्यू जो आपके मैनोमीटर में आया था, यहाँ पे इस तरीके का डिफरेंस आया था ना हाइट में, तो उस डिफरेंस को आपने x मान लिया। और अगर आप h कैलकुलेट करना चाहते हो तो h इज़ इक्वल टू क्या होने वाला है,
एच इज इक्वल टू होने वाला है आपने जो वैल्यू आया एक्स, एक्स का कितना टाइम्स भाई, एक्स का 12.6 टाइम्स। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, एक्स का 12.6 टाइम्स ये क्यों हुआ? चलिए एक बार इसको फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं पहले कंडीशन में मानता हूँ कि पहले कंडीशन में वाटर जो फ्लो कर रहा है वो भी वाटर है और जो मैनोमीटर में भरा हुआ है वो भी वाटर है। मैंने दोनों कंडीशन में दोनों को वाटर मान लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो हाइट गेन करोगे वो हाइट कितना होगा, वो हाइट इसके बराबर होगा, ये पूरे टर्म के बराबर होगा, ओके। मतलब एक से कितना ज़्यादा होगा, एक से 12.6 टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने उसमें क्या किया, हम लोगों ने उसमें मरकरी यूज़ किया, जिससे क्या होगी उसकी हाइट ना कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, चूँकि मरकरी का वेट ज़्यादा है ना। अब मान के चलो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक तरह का आप बोल सकते हो ना कि एक स्ट्रेस जनरेट कर रहा हूँ, है ना, अब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मैं एक तरह का प्रेशर लगा रहा हूँ। आप देखो ये कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिक्विड है, आपके हाथ में कोई हल्का सा सामान है, आप प्रेशर लगाते हो, ताकत लगाते हो, फोर्स लगाते हो, आप उसको ज़्यादा ऊपर पिक कर पाओगे। बट अगर आपके पास कोई भारी सामान है ना, कोई बहुत ज़्यादा वेट है, इन डैट के साथ उसको पिक कर पाओगे क्या, आप ज़्यादा ऊपर पिक नहीं कर पाओगे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड व्हाट वी यूज, है ना। इसके कंसेप्ट को और आप थोड़ा रियलाइज़ करोगे, थोड़ा क्वेश्चन बनाओगे, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी बेटर वे, आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आने वाली है, एच की वैल्यू आने वाली है 12.6 इंटू एक्स, है ना। कब, जब एक मरकरी है दूसरा वाटर है, है ना। ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो एच की ओरिजिनल वैल्यू हम लोगों को मिलेगी, एक ओरिजिनल वैल्यू जो हम लोगों को वहाँ पे मिलेगी वो एक्स के बराबर होगी ना। बट इज इट द ओरिजिनल वैल्यू, नहीं। जब ये वाटर के कम, अब एक बात बताओ, ये वाटर के कंपेरेटिवली कितना भारी है, 13.6 टाइम्स भारी है, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, ये वाटर के कंपेरेटिवली 13.6 टाइम्स ज़्यादा भारी है मरकरी, तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे अगर आप इसके लिए रिलेटिव वेट अगर आप इसका निकालोगे, तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे आपको 13.6 माइनस वन जो है उतना टाइम आपको वाटर का हाइट होता, अगर वाटर होता तो। इसका मतलब ये कि अगर मान के चले कि मरकरी में हाइट का डिफरेंस कितना आ गया, एक मीटर, चलिए यहाँ मैंने लिख दिया मरकरी में हाइट का डिफरेंस आया एक मीटर, ओके। लेकिन अब मरकरी का वजन कितना है, एक मीटर हाइट आया, इसका मतलब मरकरी का वजन कितना है, मरकरी का वेट आप क्या लिखते हो, वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी ना, रो इंटू जी। तो चलिए मैं जी को ना 1000 मान लेता हूँ आसानी के लिए, आसान हो ऐसा इसलिए। तो चलिए यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है, आप यहाँ पे रो लिख सकते हो, इट इज़ 13.6 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये वेट कितना आ जाएगा, ये 13600 kg आ जाएगा, है ना, 13600 kg आ जाएगा ये वेट। चलिए अब एक बात बताओ, अब आपका जो प्रेशर है वो काम कितना कर रहा है, वो 13600 kg के बराबर काम कर रहा है ना, उतना सारा वेट को उठाया हुआ। लेकिन अब आप एक बात बताओ कि अगर इसमें वाटर ही फिल्ड होता तो इसकी हाइट कितनी होती, इसकी हाइट तो ऑब्वियसली ज़्यादा होती ना, क्योंकि 13600 kg वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी डेंसिटी तो कम होती है ना वाटर की। तो यहाँ पे दैट इज़ वाई कि हम लोगों को x मानना पड़ता है और यहाँ पे हम लोगों को h मानना पड़ता है। इफ़ यू स्टिल यू हैव सम डाउट्स देन यू कैन राइट, यू कैन राइट, मैं बार बार बोल रहा हूँ यू कैन राइट। एंड इफ द मटेरियल और द लिक्विड फिल्ड इन द पर्टिकुलर यूट्यूब मैनोमीटर इज हैविंग लेस डेंसिटी देन द फ्लूड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, देन द फॉर्मूला यू विल बी यूज दिस वन, h इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एस एल का ये स्टॉक। तो आपको यहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, और अगर आप ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना, देन यू विल नॉट हैव नीड टू जस्ट मेमोराइज इट, आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू गेट एवरी थिंग वेरी इजी। एंड वन मोर थिंग दैट टुमारो द टुमारोज लेक्चर वी विल गो टू कवर दैट पिटॉट ट्यूब एंड ऑल द अदर एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियर। वी कंटिन्यू and watch the video. If you have any doubt, I'm saying just please write down, because I am not getting any comments from your side. So aap likho ke mujhe bhi acha lagega, and please if you are new on this channel then go ahead
एंड इफ यू जस्ट वॉन्ट टू गेट नोटिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज इफ यू विल नॉट डू इट देन फॉर द वीडियोज वट आई विल अपलोड ऑन डेली बेसिस यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन राइट सो थैंक यू सो मच वी विल मीट टुमारो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ओके थैंक यू